हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने फंक्शनल एरिया डिस्कस किए थे हमारे फ्रंटल लोब के। आज हम लोग डिस्कस करने वाले फंक्शनल एरिया का पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब में मोस्टली हमारे मोटर कॉर्टेक्स या फिर मोटर एरियाज रहते हैं और हमारे पैराइटल लोब में हमारे सेंसरी एरियाज प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेंसरी एरियाज कौन से हैं उसको डिस्कस करने से पहले हमें पैराइटल लोब का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि पैराइटल लोब में कौन से सल्कस हैं और कौन से गायरस हैं। ठीक है, तो उनको डिस्कस करना पड़ेगा। पहले हम लोग जान लेते हैं चार एरिया जो हमें पढ़ने हैं। पहला एरिया हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेंसरी एरिया या फिर प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स जिसको हम लोग। ठीक है, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। दूसरा है सेकेंडरी सेंसरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी सेंसरी कॉर्टेक्स। तीसरा है सोमास्थेटिक एसोसिएशन एरिया, सोमास्थेटिक एसोसिएशन एरिया। और फोर्थ है आपका वर्निकेज एरिया। ठीक है, वर्निकेज एरिया ऑफ स्पीच। ठीक है, ये चार एरियाज है हमें डिस्कस करने हैं। वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसके क्या फंक्शन होंगे, इसका क्या लोकेशन होगा। और अगर हम लोग पेशेंट में कोई लीजन देखते हैं या फिर उसका क्लिनिकल पार्ट्स अगर हम लोग देखते हैं तो आपको क्या क्या साइन सिम्टम दिखेंगे उसको डिस्कस करेंगे। अब पहले जान लेते हैं पैराइटल लोब में कौन से सल्कस और गायरस है, जिसकी वजह से हमने को ये पता चलेगा कि इसका लोकेशन कौन से सल्कस या फिर कौन से गायरस के पास है। तो हमने पैराइटल लोब में भी एक डायग्राम देखी थी जहां पे आपको फ्रंटल के एरियाज हमने देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना सेंट्रल सल्कस होगा। ठीक है, ये सेंट्रल सल्कस है, सेंट्रल सल्कस के सामने ये प्री सेंट्रल सल्कस होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये जो गायरस बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्री फ्रंटल गायरस। सेम चीज यहाँ पे पीछे साइड मतलब पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एक सल्कस होता है जिसको हम लोग पोस्ट सेंट्रल सल्कस कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, ये आपका पोस्ट सेंट्रल सल्कस। ठीक है, और ये है आपका सेंट्रल सल्कस। और पोस्ट सेंट्रल सल्कस और हमारे सेंट्रल सल्कस के बीच में जो एरिया बनता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है वहां से इमेजिनरी लाइन अगर हम लोग देखेंगे, एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया होता है आपका, ये होता है आपका प्री ऑक्सीपिटल नॉच, सॉरी प्री ऑक्सीपिटल नॉच, बराबर। और जो लैटरल सल्कस होता है वहां से हम लोग एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं आपके ये वर्टिकल लाइन को अटैच होने तक, और ये दोनों के बीच में यहाँ पे जो एरिया बनता है उसको हम लोग कहते हैं पैराइटल लोब। ठीक है, तो ये आपका पैराइटल लोब है। अब जो पैराइटल लोब है ये भी आपका दो गायरस में डिवाइडेड है और इन दोनों के बीच में एक सल्कस आपको मिलेगा जिसको हम लोग इंट्रा पैराइटल सल्कस कहते हैं। ये क्या हुआ, ये इंट्रा पैराइटल सल्कस। ठीक है, अब ये जो इंट्रा पैराइटल सल्कस है ये मोस्टली आपके पोस्टीरियर पैराइटल लोब में प्रेजेंट होता है और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ये पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है पैराइटल लोब को आपके, एक सुपेरियर पैराइटल लोबिल और दूसरा होता है इंटीरियर पैराइटल लोबिल। ठीक है, सुपेरियर पैराइटल लोबिल और दूसरा इंटीरियर पैराइटल लोबिल। अब यहाँ पे जो आपका लैटरल सल्कस है, ये जो लैटरल सल्कस का जो पोस्टीरियर रामस है वो आपके इंटीरियर पैराइटल लोबिल में यहाँ पे इन्वेड करता है, और ये जो इंटीरियर लोबिल में या फिर इंटीरियर पैराइटल लोबिल में जो आपका पोस्टीरियर पार्ट आ गया लैटरल सल्कस का, इसके पेरीफेरी में एक गायरस बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रा मार्जिनल गायरस, सुप्रा मार्जिनल गायरस। ठीक है, और ये है आपका टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में भी एक सल्कस होता है जिसको हम लोग सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस। और ये जो सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस है इसका भी पोस्टीरियर पार्ट आपके इंटीरियर पैराइटल लोबिल में यहाँ पे इन्वेड करता है। ठीक है, तो इस
जो हमारा सुपीरियर सल्कस है या फिर सुपीरियर पैराइटल टेम्पोरल सल्कस है, इसके भी पेरिफेरी में एक गायरस बनता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर गायरस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर गायरस। ठीक है, तो ये एरिया आपको याद रखने हैं, मतलब ये जो सल्कस और गायरस जो हमने बनाए इसको याद रखना, क्योंकि जो आपके एरियाज है, सेंसरी एरियाज है, वो मोस्टली आपके यही रीजन में या फिर यही गायरस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो प्री पोस्ट सेंट्रल गायरस बना, यहाँ पे आपका प्राइमरी सेंसरी एरिया होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं या फिर फर्स्ट सोमास्थेटिक एरिया भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सुपीरियर पैराइटल सुपीरियर आपका पोस्टीरियर लोब्यूल है, वहां पे आपका एसोसिएशन एरिया होता है। ठीक है, और ये जो आपका सल्कस और मतलब जो आपका एंगुलर गायरस और आपका सुप्रा मार्जिनल गायरस बना, यहाँ पे आपका वर्निकेज एरिया प्रेजेंट होता है। बराबर, तो ये कुछ एरियाज है जो आपको याद रखने हैं। तो एक एक करके पूरे एरियाज को डिस्कस करते हैं। पहला देखेंगे हम लोग फर्स्ट सोमास्थेटिक एरिया और प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इसमें इसके नाम कुछ अलग अलग है। पहला है फर्स्ट सोमास्थेटिक एरिया भी इसको कहते हैं, दूसरा नाम है इसका प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स, तीसरा इसको हम लोग जनरल सेंसरी एरिया भी कहते हैं, और चौथा नाम है इसका ग्रैनुलर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये चार नाम आपको याद रखने, फर्स्ट सोमास्थेटिक एरिया, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स, और तीसरा इसका जनरल सेंसरी एरिया, और चौथा नाम इसका ग्रैनुलर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट सोमास्थेटिक और जनरल सेंसरी एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट सोमास्टो सेंसरी एरिया और ग्रैनुलर कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे जो ग्रैनुलर कॉर्टेक्स कहने का मतलब है या फिर इसका जो मीनिंग है, यहाँ पे स्केलेट सेल ज्यादा होना। ठीक है, जो हमने फर्स्ट प्राइमरी कॉर्टेक्स में देखा था, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, कि वहां पे आपको पिरामिडल सेल्स ज्यादा मिलते थे, इसलिए इसको हम लोग अग्रैनुलर कॉर्टेक्स कहते थे। बराबर, लेकिन यहाँ पे इसके अपोजिट है, आपको पिरामिडल सेल्स बहुत कम मिलेंगे और स्टीलेट सेल ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, जब स्टीलेट सेल ज्यादा होते हैं तो उस एरिया को हम लोग ग्रैनुलर कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो पिरामिडल एरिया ज्यादा होता है तो उसको हम लोग एरिया अग्रैनुलर कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, जब बात आती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स की, सेकेंडरी सेंसरी कॉर्टेक्स की और प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स की, इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो आपका प्राइमरी सेंसरी एरिया जो है वो बिगर होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एक लाइन आपको याद रखनी है। अब इसका जो प्रेजेंटेशन होता है ना, जैसे कि हमने एक होमन कुलस नाम की टर्म पढ़ी थी आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में। बराबर, होमन कुलस का मतलब क्या था कि आपका जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, होमन कुलस मतलब आपकी जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपके ब्रेन में भी एक प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका जो पोजीशन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर एक उल्टा होता है, जो मतलब आपका हेड जो होता है वो लोअर साइड में होता है। ठीक है, इसको हम लोग अपसाइड डाउन कहते हैं। ठीक है, अपसाइड डाउन पोजिशन में आपका ये ब्रेन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग ओमन प्लेस कहते हैं। अब इसका यहाँ पे जो हमने प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में फंक्शन देखा था कि आपका हेड का या फिर नेक का जो पार्ट होगा वो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा, और आपके जो लेग्स होंगे या फिर फुट होंगे वो आपके अपर साइड का है। ठीक है, तो सेम हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एरिया ऑक्यूपाई किया जाता है, जैसे कि हमने प्राइमरी कॉर्टेक्स में देखा था, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, कि जो फंक्शन हमारी बॉडी करती है, जो भी बॉडी का ऑर्गन हमारे फंक्शन करता है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसका एरिया डिसाइड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होमनकुलस प्रेजेंट होता है उसमें जो एरिया यहाँ पे मतलब ऑक्यूपाई किया जाता है वो किसके बेसिस पे, वो सेंसरी रिसेप्टर के बेसिस पे। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर के बेसिस पे, मतलब अगर कोई ऑर्गन ऐसा है जिसमें सेंसरी रिसेप्टर ज्यादा है तो वो एरिया आपके जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है या फिर सेंसरी एरिया है, वहां पे आपको इसका ऑक्यूपेशन या फिर उसका जो एरिया कवर करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा मिलेगी। अगर कोई ऐसा ऑर्गन है जिसमें सेंसरी रिसेप्टर जो कम है तो वो आपके ब्रेन में बहुत छोटा सा एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो यही लाइन यहाँ पे दी गई है, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी इन दिस एरिया करस्पॉन्ड टू दैट इन द मोटर एरिया, दैट इज द कॉन्ट्रालैटरल हाफ ऑफ द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड अपसाइड डाउन एक्सेप्ट द फेस। मतलब सिर्फ आपका फेस अगर छोड़ेंगे तो हम लोग बाकी का पूरा अपसाइड डाउन आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग होमन कुलस कहते हैं। ठीक है,
अब लोकेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका लोकेशन क्या आता है, क्या आता है, इट ऑक्यूपाइज द पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑन द सुपेरियो लैटरल सल्कस सरफेस। ठीक है, जब आप सुपेरियो लैटरल सरफेस देखते हो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, तो उस पे आपको पोस्ट सेंट्रल गायरस जो हमने अभी डायग्राम में देखा था, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये सेंट्रल सर्कस है, ये आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस है, तो यहाँ पर आपका ये जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है ये पूरा ऑक्यूपाई किया जाता है आपके प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स के द्वारा। और इसका अगर आप मीडियल सर्फेस देखोगे, मीडियल सर्फेस देखोगे तो उसको हम लोग कहते हैं पैरा सेंट्रल लोबिल, ये भी कवर किया जाता है आपके प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स के द्वारा। तो ठीक है, तो लोकेशन के हिसाब से इसका लोकेशन कहाँ हुआ, आपका प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स का, एक तो पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑन द सुपेरियो लैटरल सर्फेस, और मीडियल सर्फेस पे जाओगे तो पैरा सेंट्रल लोबिल इसका लोकेशन है। ठीक है, अब ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसको नंबर दिए गए 3, 1, 2। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन जो है वो तीन नंबर जो है और दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो 3A और 3B। अब ये एरिया कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको अगर हम लोगों को समझना है तो जो हमारा सेंट्रल सल्कस प्रेजेंट होता है उसका हम लोगों को यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है। ये मान लेते हैं कि हमारा सेंट्रल सल्कस है, इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम लोग लेंगे तो वो कुछ इस तरह से देखेंगे। ठीक है, ये आपका सेंट्रल सल्कस होगा, ये आपका प्री सेंट्रल गायरस, और ये आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस होगा। ठीक है, ये आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस होगा। अब यहाँ पे जो आपका बेस ऑफ द सेंट्रल सल्कस है ये एरिया कहलाता है आपका 3A। ठीक है, तो ये आपका फ्लोर बनाता है और ये फ्लोर आपका कहलाता है 3A। और यहाँ पे जो पोस्टेरियर पार्ट होता है सेंट्रल सल्कस का ये कहलाता है 3B। ठीक है, तो 3A एंड 3B इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल सल्कस। अब यहाँ पे जो प्री फ्रंटल या फिर प्री सेंट्रल सल्कस था या फिर गायरस था वो आपका 4 नंबर का एरिया बनाता है, विच इज अ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। और ये जो इसका सेंट्रल पोस्ट सेंट्रल गायरस का एंड पार्ट है यहाँ पे इसको नंबर देते हैं हम लोग 2। और ये जो बीच वाला एरिया मतलब सेंटर वाला एरिया जो होता है इसको नंबर आता है 1। तो इसीलिए ये जो सीक्वेंस है 3, 1 एंड 2 ऐसा आता है। अगर आपको किताबों में मिलता है तो वो सिर्फ इसी सीक्वेंस से मिलेगा 3, 1 एंड 2। तो 3 कहाँ पे आ रहा है, ये फ्लोर ऑफ द सेंट्रल सल्कस, यहाँ पे 3A आएगा। अगर पोस्टीरियर पार्ट देखोगे थोड़ा सा उसके 3B आएगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ द पोस्ट सेंट्रल गायरस 1 आएगा, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेंट्रल पोस्ट सेंट्रल गायरस विच इज नंबर 2 ऑफ ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन। ठीक है, फंक्शंस की जब बात होती है इसके, तो फंक्शंस में ये आपका चीफ सेंसरी एरिया होता है जो पूरे सेंसरी एरियाज को या फिर सेकेंडरी सेंसरी एरियाज को भी कवर कर लेता है। मतलब कि जितने भी हमारे सेंसेशन आते हैं, सेंसरी इनपुट आते हैं, वो आपके इस एरिया के थ्रू होते हुए जाते हैं। ठीक है, तो थैलामस से इसको इनपुट मिलता है सेंसरी का। ठीक है, सेंसरी इनपुट थैलामस से आ रहा है और वो पूरा आपका चीफ एंड मेन सेंसरी इनपुट करने का ये एरिया जो है आपका प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, टू डिटरमाइन एंड इंटीग्रेट द ऑल सेंसरी इनपुट। मतलब जितने भी सेंसरी इनपुट आपके थैलामस से आ रहे हैं उसको डिटरमाइन करने का और उसको इंटीग्रेट करने का काम जो है आपका प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स कर रहा है या फिर प्राइमरी सेंसरी एरिया कर रहा है। अब मान लेते किसी वजह से पेशेंट में यहाँ पर एक एरिया ऐसा जो है हमारा वो सेंट्रल गायरस का उसमें लीजर हो गया, तो क्या होगा कि इसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेन फंक्शन क्या था इसका, सेंसरी इनपुट को कैप्चर करना और उसको डिटरमाइन करके उसको इंटीग्रेट भी करना, ये आपका मेन फंक्शन था। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये फंक्शन डिस्टर्ब होगा, तो इसीलिए पेशेंट विल नॉट एबल टू इंटीग्रेट एंड डिटरमाइन द सेंसरी स्टिमुलस। तो जितने भी स्टिमुलस आए थे उसको वो पेशेंट जो होगा जिसमें लीजन प्रेजेंट हुआ आपके पोस्ट सेंट्रल गायरस में या फिर प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स में, तो आपको इंटीग्रेट या फिर डिटरमाइन करता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स हुआ। अब दूसरा एरिया आता है आपका सेकेंडरी सोमैस्थेटिक एरिया और सेकेंडरी सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, ये एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका जो दूसरा नाम है सेकंड सोमैस्थेटिक एरिया, विच इज ऑल्सो नोन एज सेकंड सोमैस्टो सेंसरी एरिया और SM2। जो प्राइमरी सेंसरी एरिया था उसको SM1 कहते हैं हम लोग और इसको SM2 कहेंगे। ठीक है, विच इज सिचुएटेड, दिस इज सिचुएटेड सुपेरियर लिप ऑफ द पोस्टेरियर रामस ऑफ द लैटरल सल्कस विथ पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, तो हमने जो डायग्राम देखी थी इसकी हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, यहाँ पे आपका ये सेंट्रल सल्कस होता है, बराबर।
ये सेंट्रल सर्कस है। सेंट्रल सर्कस के दो लीफ हमने पढ़े थे आपका जब हम लोग सेंट्रल लोब पढ़ रहे थे या फिर इंसुला पढ़ रहे थे, उसमें हमने दो लीफ देखे थे सेंट्रल सर्कस के। जो पोस्ट सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल सॉरी लैटरल सर्कस का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है या फिर पोस्टीरियर रामाय होता है, उसमें आपको दो लीफ दिखेंगे। ये जो दो लीफ होते हैं अपर लीफ और लोअर लीफ, या फिर उसको सुपीरियर लीफ या फिर इंटीरियर लीफ कह सकते हैं। तो ये जो सुपीरियर लीफ होता है ना, इसका सुपीरियर लीफ ऑफ लैटरल सर्कस, यहाँ पे आपका ये सेकंड सोमास्टिक एरिया प्रेजेंट होता है। अब इसका जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन वेल नोन नहीं है। मतलब बहुत सारे रिसर्च स्टडी ऐसे बताते हैं कि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो पेन के रिगार्डिंग होता है, लेकिन किताबों में आपको इसका फंक्शन क्लियर कट आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए ये जो पेन फंक्शन है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च स्टडी है। तो जब भी आपको कोई पेन वाला पेशेंट होता है, तो अगर ये एरिया में अगर कोई लीजन होता है तो पेन के सेंसेशन आपके कम होते हुए आपको दिखते हैं। इसीलिए जो सेकंड सोमास्टिक एरिया वो आपका पेन का फंक्शन निभाता है। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड। अब तीसरा एरिया हमें देखना है एसोसिएशन एरिया, जिसको हम लोग सोमास्टिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये सोमास्टिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स और सोमास्टिक एसोसिएशन एरिया जिसको हम लोग कहते हैं। द सोमास्टिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स इज मेनली प्रेजेंट इन द सुपीरियर पैराइटल लोबल ऑफ द सुपेरोलैटरल सर्फेस एंड ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड इन द प्रीक्यूनियस ऑन द मीडियल सर्फेस। अब ये इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, जैसे हमने ये डायग्राम देखी थी, ठीक है, यहाँ पे जो आपका पैराइटल लोब था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक तो सुपीरियर पैराइटल लोबल और इंफीरियर पैराइटल लोबल, और यहाँ पे आपका था पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो होता क्या है कि आपका जो सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल है, यहाँ पर आपका एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सरफेस कौन सा है, सुपेरोलैटरल सरफेस। जब आप मीडियल सरफेस पे जाओगे, मीडियल सरफेस पे एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रीक्यूनियस। मतलब जो आपका सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल का मीडियल पार्ट होगा उसको हम लोग प्रीक्यूनियस कहते हैं, और यहाँ पर भी आपका ये सोमास्टिक एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका सोमास्टिक एरिया कवर कर रहा है आपका सुपीरियर पैराइटल लोबल और प्री क्यूनियस का पार्ट, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपका ये जो पोस्ट सेंट्रल गायरस का पार्ट है ये भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको 5 और 7 नंबर हम लोग देते हैं। अब इसका फंक्शन जान लेते हैं। फंक्शन थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है इसका फंक्शन में, साइट ऑफ द सेंसरी मेमोरी। साइट ऑफ द सेंसरी मेमोरी को समझेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं स्टेरियोग्नोसिस। अब ये स्टेरियोग्नोसिस और सेंसरी मेमोरी क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि आपके हाथ में ये पेन, ठीक है, अब जब भी आप ये पेन पकड़ते हो तो आपका ये जो सेंसेशन है या फिर इसका जो सेंसरी इनपुट है आपके थैलेमस से आपके सेंसरी एरिया में पहुंच गया, तो आपके दिमाग में या फिर आपके एसोसिएशन एरिया में एक मेमोरी स्टोर्ड होती है कि ये पेन है। ठीक है, जब भी आप इसको फील करोगे या फिर आपको इसको टच करके फील करोगे तो, या फिर किसी चीज के बारे में अगर आप सुनते हो तो उसका भी एक इमेज, उसका भी एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठ जाता है, वो आपके एसोसिएशन एरिया का काम है। अब कोई चीज ऐसी मान लो कि जो आप रेगुलर यूज करते हो, जैसे कि मैं ये पेन रेगुलर यूज करता हूँ, तो जब भी मैं आप भी अगर बंद कर दूं तो भी अगर मैं पेन को टच करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये पेन है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे दिमाग में जो इसके इमेज फीड हो गई है या फिर इसका स्ट्रक्चर फीड हो गया, तो ये पेन है, तो वो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ अगर मेरी आंखें भी बंद है। तो इसी जो मेमोरी को हम लोग कहते हैं सेंसरी मेमोरी, और ये सेंसरी मेमोरी को स्टोर करने का जो काम होता है वो आपका एसोसिएशन एरिया का काम होता है। अब ये जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग स्टेरियोग्नोसिस के नाम से जानते हैं। अब स्टेरियोग्नोसिस में आपको क्या क्या स्ट्रक्चर और या फिर उसको आप क्या क्या मेमोराइज कर सकते हो, उसमें आपका टेक्सचर आता है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा होगा उसका टेक्सचर आप याद रख सकोगे, उसका शेप याद रहेगा आपको, उसकी साइज याद रहेगी, उसका ऑन एवरेज वेट भी याद रहेगा। ठीक है, तो ये चार जो कंपोनेंट है या फिर चार जो पैरामीटर्स है वो आपको एज अ सेंसरी मेमोरी ये आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा क्लिनिकल पार्ट्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दो चीजों में डिफरेंस हमें समझना है। ये जो सेंसरी मेमोरी वाला पार्ट है ये आपके लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का काम है, ये किसका काम है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो
हमारा एसोसिएशन एरिया होता है उसका काम होता है आपकी जो लेफ्ट बॉडी होती है उसका एक प्रेजेंस जो होता है वो आपके माइंड में रखना, मतलब आपकी बॉडी प्रेजेंट है ऐसा आपको रिकॉग्नाइज कराना, ये आपके राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के एसोसिएशन एरिया का काम होता है। अब जब आपके ये जो दो एरिया राइट साइड और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसमें अगर कोई लीजन होता है तो क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे स्टेरियोग्नोसिस ये वर्ड आया, तो जब भी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो एसोसिएशन एरिया है विच इज प्रेजेंट इन द सुपीरियर पैराइटल लोबिल वहां पे अगर कोई लीजन होगा तो होगा क्या, वहां पे अस्टेरियोग्नोसिस ये नाम की कंडीशन डेवलप होगी, अस्टेरियोग्नोसिस या फिर उसको एग्नोसिया भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो सेंसरी मेमोरी है आपकी वो पूरी तरह से यहाँ पे इरोड हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी। तो उसमें होगा क्या, जब अगर पेन का एग्जांपल हमने लिया था तो पेन को अगर आप छुओगे या फिर आपके हाथ में अगर पेन दिया जाएगा तो आपको इसका जो स्ट्रक्चर था आप पूरी तरह से भूल चुके होंगे या फिर वो लीजन की वजह से वो पैथोलॉजी डेवलप हुई है, इसीलिए आपको थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो लेकिन इसका स्ट्रक्चर, इसका जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग एग्नोसिया कहते हैं। और सेम अगर हम लोग राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में होता है कॉर्टिकल नेग्लिजेंस। अब जो राइट साइड का फंक्शन था वो हमने क्या देखा था कि आपके राइट साइड में जो एसोसिएशन एरिया है आपकी लेफ्ट साइड का जो प्रेजेंस है वो आपको महसूस कराता है, मतलब इसका जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी ये आपको फील कराता है, ठीक है। अगर मान लेते किसी वजह से यहाँ पे लीजन होता है, मतलब राइट साइड ऑफ द एसोसिएशन एरिया में अगर लीजन होगा, लीजन अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कॉर्टिकल नेग्लिजेंस नाम की प्रोसेस या फिर कंडीशन डेवलप होती है। तो ये क्या चीज होती है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते अगर कोई मेल है, ठीक है, मेल है, उसके राइट जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के एसोसिएशन एरिया में अगर लीजन होता है तो वो क्या करेगा पेशेंट, सिर्फ अगर शेविंग कर रहे हो, ठीक है, तो शेविंग करने के टाइम पे उसको सिर्फ ये जो राइट साइड वाला एरिया है वही फील होगा, उसका लेफ्ट साइड उसको फील ही नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, सिर्फ राइट साइड की यहाँ पे शेविंग करेगा, लेफ्ट साइड के छोड़ देगा। अगर हम लोग इनकेस ऑफ फीमेल देखते हैं, मतलब फीमेल पेशेंट में देखते हैं, तो जब अगर मान लेते हैं कि फीमेल अगर कॉम कर रही है हेयर्स को जिसके की राइट साइड ऑफ द एसोसिएशन एरिया में लीजन है, तो वो क्या करेगी, सिर्फ राइट साइड के हेयर कॉम करेगी, लेफ्ट साइड को छोड़ देगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारी कॉर्टिकल नेग्लिजेंस के, जहां पे आपको राइट साइड ऑफ द एसोसिएशन एरिया में कोई लीजन मिलता है, तो इसका ये क्लिनिकल पार्ट होगा, ठीक है। तो ये तीसरा एरिया हुआ। अब चौथा जो एरिया है वो है आपका रिसेप्टिव स्पीच एरिया ऑफ द वर्निक्स, इसको वर्निकल स्पीच एरिया भी हम लोग कहते हैं। जो ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 39 और 40 नंबर आता है। तो इसका जो लोकेशन होता है वो कहाँ पे होता है उसको डिस्कस करना है हमें, तो ठीक है, हमने सेंट्रल सल्कस देखा, ये लैटरल सल्कस का पार्ट है और यहाँ पे हमने पैराइटल लोबिल को या फिर पैराइटल लोब को यहाँ पे इंडिकेट किया था। और जो टेम्पोरल लोब है वहां से एक सल्कस हमारे इंफीरियर पैराइटल लोबिल में आता है और यहाँ पर एक एरिया क्रिएट करता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर गायरस, ठीक है। जो हमारा लैटरल सल्कस था उसका भी पोस्टीरियर पार्ट हमारे इंफीरियर पैराइटल लोबिल में इन्वेड करता है जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रा मार्जिनल गायरस। तो ये जो दो गायरस है, सुप्रा मार्जिनल एंड एंगुलर गायरस, यहाँ पे आपका ये वर्निकस एरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो एंगुलर गायरस है ये ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग 39 नंबर देते हैं और जो आपका सुप्रा मार्जिनल गायरस है उसको हम लोग 40 नंबर देते हैं, ठीक है। तो 39 एंड 40 नंबर इज गोज टू द वर्निक्स एरिया। अब ये वर्निक्स एरिया को दूसरा नाम हम लोग देते हैं सेंसरी लैंग्वेज एरिया, ठीक है। लोकेशन हमने समझ लिया, सुप्रा मार्जिनल गायरस एंड एंगुलर गायरस। अब इसका फंक्शन जो होता है ना वो कॉम्प्रिहेंशन होता है, मतलब जो भी आपका विजुअल और आपका ऑडिटरी इनपुट आ रहा है आपकी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, मतलब आपको जो बोलना होता है, जब आप किसी चीज को देख के बोलते हो या फिर किसी चीज को सुन के बोलते हो, मतलब दो पाथवे हो गया हमारे पास, एक विजुअल पाथवे हो गया, ऑडिटरी पाथवे हो गया, ठीक है। तो दोनों इनपुट जब आपके ब्रेन में पहुंचते हैं तो उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज ओपन करने वाले हो या फिर जो भी वर्ड यूज करने वाले हो उसका कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो कॉम्प्रिहेंशन करना आपके वर्निकेज एरिया का काम होता है। हालांकि जो वर्निकेज एरिया है यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन ही होगा, जो कॉम्प्रिहेंशन होगा उसके बाद में ये इनपुट जाएगा आपके ब्रोकास एरिया के पास, ठीक है। तो ब्रोकास एरिया आपके फ्रंटल लोब में प्रेजेंट था वो हमने देखा था,
ब्रोकास एरिया से जाएगा ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, और वहां से एक आउटपुट निकलेगा, एक लैंग्वेज डेवलप होगी, ठीक है। तो तीन एरिया से ये होता हुआ जाएगा। अगर कोई भी सेंसरी या फिर ऑडिटरी या फिर विजुअल इनपुट अगर आ रहा है जिसके बाद आपको कोई स्पीच देना है, आपको कोई वर्ड यूज करना है, उसका सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन आपके वर्निकेज एरिया में होगा, फिर वहां से वो आपके ब्रोकास एरिया में शिफ्ट होगा, ब्रोकास एरिया से फिर आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में आएगा, और फिर वर्ड का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये कॉम्प्रीहेंशन का काम आपके वर्निकेज एरिया का। अगर मान लेते किसी वजह से यहाँ पे वर्निकेज एरिया में कोई लीजन हो, ठीक है, तो अगर लीजन होगा वर्निकेज एरिया में तो आपका ये जो कॉम्प्रीहेंशन का काम है, कॉम्प्रीहेंशन का काम है, वो रिड्यूस हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आपके ये वर्निकेज एरिया में लीजन होगा तो पेशेंट इन अप्रोप्रिएट वर्ड बोलेगा, या फिर जो ऐसे वर्ड होंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते वो ऐसे वर्ड बोलेगा, ठीक है। तो वर्ड विच आर नॉट एग्जिस्ट, विच आर नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, ठीक है। तो ऐसे कोई वर्ड यूज करेगा या फिर इन अप्रोप्रिएट बात करेगा अगर आपके वर्निकेज एरिया में कोई लीजन होगा, ठीक है। तो ये आपके सेंसरी एरियाज हैं जो चार आपको याद रखने हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका सोमास्थेटिक एरिया है, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन या फिर भाई भाई में भी पूछ सकते हैं, और आपका जो प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जो होमनकुलस नाम का जो टर्म पढ़ा हमने वो आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में भी था और प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स में भी, लेकिन उसका जो सिग्निफिकेंस है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका जो एरिया ऑक्यूपाई किया जाता है, कौन से बेसिस पे किया जाता है, उसको आपको याद रखना है। हमने ऑलरेडी पढ़ा था प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जो आपका होमनकुलस प्रेजेंट है वहां पर ये आपके जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क उस पर डिपेंड करता है, और आपके सेंसरी एरिया में आपकी सेंसरी रिसेप्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपके सेंसरी एरियाज में। अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जो स्पेशली यूज होते हैं, मतलब आपके हेयरिंग में यूज होंगे, आपके विजन में यूज होंगे, आपके टेस्ट में यूज होंगे, या फिर आपके स्मेल में भी यूज होंगे। तो ये जो स्पेशल एरियाज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी आगे की बातचीत।